हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस पंचमी को भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही उत्तम फलों की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस साल नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। अब ऐसे में नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना चाहिए, वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके दान से बचना चाहिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन क्या दान करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन पूजा में चढ़ाया गया दूध नाग रखने वाले लोगों को दान कर सकते हैं। वहीं नाग पंचमी के दिन गरीबों के बीच अन्न का दान करें। इसके अलावा चांदी के नाग नागिन का दान करना चाहिए। दान किसी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण को करना चाहिए, इससे कुंडली में सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन सजीव सर्प को देखना, दान करना और पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अब चलिए आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध नाग देवता से जोड़ा गया है। वहीं नाग पंचमी के दिन नमक का दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका स्वभाव कठोर होता है। नाग पंचमी के दिन नमक का दान करने से शनि का प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन तेल का दान करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन काले वस्त्र का दान करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। तो आप भी नाग पंचमी के दिन इन चीजों का दान करने से बचें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।